बाप खुदकुशी करता है, कभी चार बेटों की वजह से बाप जन्नतुल फिरदौस का हकदार बन जाता है। 11 रबीउल अव्वल की रात मेरे अजीजों मुल्तान में रात तकरीबन 1:15 बजे मेरी तकरीर शुरू हुई। ये उस दिन मेरा छठा प्रोग्राम था। यकीन जानो 2:45 बजे दुआ की, अगले दिन सफर लिए भक्कर करोड़ लाली सन का पता नहीं कहाँ का था। जिनके घर के अंदर मेरा अजीजों ग्राउंड में बयान हुआ, वो घर वाले कह लगे मौली साहब बड़ा मेरा उनसे प्यारा ताल्लुक है, 16 बहन भाई या 14 बहन भाई। सारों कह लगे मौलाना पिछले साल रात 1 बजे अब्बा का इंतकाल हुआ, अब्बा को बेचैनी हुई, मुझे बुलाया का सैफुल्ला या वलीउल्ला को फोन कर, किफायतुल्ला को फोन कर, नसरुल्ला को फोन कर। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बेटों के नाम में भी अल्लाह याद आ रहा है। का 5 भाई मुल्तान के अंदर थे, 5ों को फोन किया, 4 चफेरे आके खड़े हो गए। का पढ़ो सूरह यासीन, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया था। पूछते थे ना लोग, इतने बच्चे हैं सबको हाफिज बना रहे, किसी को स्कूल पढ़ा दे, किसी को फलाना काम करा दे। मेरे बच्चों मैं यूं इधर की बात सुन के इधर से निकाल कर लोगों की झिड़कियां सुन के मुस्कुरा दिया करता था, पैसे किसे बुरे नहीं लगते। कभी कभी ऐसे वक्त भी आ जाया करते थे, मेरे बच्चों रोटी थोड़ी देख कर तेरी माँ और तेरा बाप हाथ खींच लिया करते थे। ओ जवान हो मैं अजीजो, खुदा की कसम मेरी हिम्मत नहीं, मैं आपसे गुफ्तगू करूं थका पड़ा हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे तौफीक दी बोल के जाऊंगा। कदे ना कह जे अपने मापियां नु साडे लई तुसी कीता की ए। अगर इतनी बात पर तेरे बाप ने रोना शुरू कर दिया, मरना फिर कहीं और चला जा, मर गया खुदा की कसम बेड़ा गर्क हो जाएगा। कब मुझे मेरे बच्चों ने सूरह यासीन सुनाई, जब इस जुमले पर आए फसुबहानल्लज़ी बियदी मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैही तुरजऊन, कब्बा ने आंखें खोली, कहा चलो बेटे चलो जल्दी करो कमरे से चले जाओ, फरिश्तों की जमात मुझे लेने के लिए आ रही है। आखिरी बार इंसान मरते वक्त तो कूड नहीं मारता, उसका घर उसके सामने होता है जहाँ उसने जाना होता है। और रफीक साहब कहने लगे बच्चे बाहर चले गए। कहा मौलाना हमें ऐसे लगा कमरे में शोर की आवाज आई, रश हो गया। कहा उधर बाप की रूह निकली, खुदा की कसम सारे मकान पर पता नहीं आसमान से खुशबू की बारिश हो रही थी।